हेलो दोस्तों, मेरा नाम फैयाज है। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आपका भाई है बेतिया रेलवे स्टेशन पे और आज कुछ खास होने वाली है। वो खास चीज़ क्या है तो मैं आप सभी को बता दूं। काफ़ी खटारों डिब्बों के साथ चलने वाली एक 22/12 गरीब रथ एक्सप्रेस डाउन जो कि आनंद विहार से मुजफ्फरपुर के बीच चलता है सप्ताह में एक दिन थर्सडे के दिन, जो कि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद अपनी ट्रेन यानी कि गरीब रथ एक्सप्रेस आज न्यू ब्रांडेड LHP के साथ बेतिया रेलवे स्टेशन पे अराइविंग करेगी। मैं आप सभी को वही चीज़ दिखाने के लिए आया है आपका भाई। और आज है डेट 11/4/2024 यानी कि आज हमारा ईद भी है। बाकी जो अपना सूट कुर्ता पहन के आए हैं और बहुत जल्द इस ट्रेन में हम सफ़र करके भी दिखाने वाले हैं आप सभी को। बाकी जो हमारी ट्रेन 4 घंटा 15 मिनट के आसपास में डिले है क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि आनंद विहार जब ये ट्रेन लगाई जा रही थी टेक्निकल इश्यू के कारण जो है यह ट्रेन लेट हो गया है। बाकी जो हमारी ट्रेन कुमारबाग आ गया है, आप सभी को जो है इस ट्रेन का अराइविंग दिखाएंगे बेतिया रेलवे स्टेशन पे। और फिलहाल बेतिया रेलवे स्टेशन पे अभी आए हैं तो काफ़ी ज़ोर शोर से आंधी भी चल रहे हैं। चलिए चलते हैं, इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ से बेतिया से अराइविंग एक 22/12 गरीब रथ जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। ये क्या है, अपना बेतिया रेलवे स्टेशन पे जो है लिफ्ट का सुविधा दी गई है। और बाकी जो है हमारे साथ आज हमारे बाबू हैं अन्ना हजारे यानी कि अयान बाबू, जो कि रेल फैन काफ़ी ज़्यादा है, बोले इनको भी ले लेते हैं और वीडियो में इनको भी ला दें, बहुत इनको ख्वाहिश है। देख रहे हैं पूरा झाड़ झूड़ के आए हैं। और एक ख़ास चीज़ जो है लगाई जा रही है अपनी बेतिया रेलवे स्टेशन पे, आपको देख के तो समझते होंगे कोच इंडिकेटर का बहुत ही ज़रूरत था। बाकी जो है काफ़ी लंबे समय के बाद यह भी जो है चीज़ लगाई जा रही है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे जो है रेक पॉइंट था उसको हटा के अब प्लेटफॉर्म नंबर जो है 3 किया जा रहा है उधर उस पार। और उधर भी जो है आप सभी को बता दूँ कोच इंडिकेटर जो है लगाई जा रही है। ज़ूमिंग करके आप सभी को दिखा दे रहा हूँ, दिखा। इस ट्रेन में AC इकोनॉमी जो है लगाई गई है। पहले गरीब रथ में G16 तक होता था, अब जो है इस ट्रेन में LHP रैक के साथ जो है अब हो चुका है G20 तक, यानी कि अब वेटिंग टिकट वालों की जो है राहत मिलेगी क्योंकि वेटिंग टिकट वालों सबको जो है कंफर्म होने का चांसेस 200% है। सामने से आ रही है न्यू ब्रांडेड LHP रैक के साथ एक 22/12 गरीब रथ एक्सप्रेस WAP4 के साथ आ रही है आज अपनी ट्रेन गरीब रथ। भाई साहब, और ये देख लीजिए बैनर भी नहीं लगाई गई है। और ये रहा अपनी AC इकोनॉमी कोच G1, आगे से G1 है, इसको ध्यान आप सब दीजिएगा। डाउन में जो है आगे G1 है। और आपका भाई बहुत जल्द इस ट्रेन में सफर करके दिखाएगा आपका भाई। और काफी भीड़ भाड़ के साथ गरीब रथ आज G14, काफी एक्साइटमेंट है आपका भाई, काफी लंबे इंतजार के बाद ऐसा चीज देखने को मिल रहा है। आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस, वेलकम टू इंडियन रेलवे। चलिए देखते हैं थोड़ा सा अंदर का लुक आप सभी को दिखा दे। देख रहे हैं G20 तक, बाकी जो है जो नॉर्मल AC इकोनॉमी होता है वही वाला है। और काफी भीड़ भाड़ जो है अपनी ट्रेन आज जाई है, बस AC इकोनॉमी में यही जो है फर्क है कि सीट छोटा होता है और ऊपर का थोड़ा हाइट जो है कम रहता है। बाकी जो है साइड लोअर साइड अपर ये ठीक है, बीच वाला जो है साइड मिडिल हटा दी गई है, इतना तो खुशी फील हो रहा है। देख सकते हैं साइड मिडिल हटा दी गई है। और ओ भाई साहब, मिरर तो काफ़ी गंदा है आपका भाई, दिख भी नहीं रहा है। और 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है, लोगों से जो है पूछते कि कैसा फील हो रहा है। फिलहाल एक भैया मिले हैं, आपका नाम क्या हुआ? राहुल यादव। भैया आज से जो है गरीब रथ फुल्ली LHP के साथ जो है चलाई जा रही है, आपको जो है कैसा फील हो रहा है?
ठीक है, अच्छा लग रहा है, सही है। क्योंकि साइड मिडिल का जो झंझट था उसे हटा दी गई है। अगर इस ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैक मिल जाए तो वो चलने को रेडी है। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी दौड़ सकता है अगर उस टाइप का ट्रैक मिल जाए तो गरीब रथ को। आई होप आप सभी को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। इसी के साथ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय, कल फिर आएगा अपनी ट्रेन 1:22:11 5:20 पे बेतिया में।